बिहार में मुखिया को सरकार की ओर से अब और बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है। अब बिहार के गांव भी शहर वालों से कदम मिलाकर चलेंगे, क्योंकि अब राज्य में गांवों के सर्वांगीण विकास को लेकर सरकार गंभीर हो चली है, जिसका नतीजा ये है कि बिहार सरकार ने पंचायतों के विकास के लिए 6,500 करोड़ की राशि देने का फैसला लिया है। खास सवाल ये है कि इन राशि का उपयोग कैसे करना होगा और कौन करेगा। तो समझ लीजिए, इन राशि का उपयोग गांव और पंचायतों के विकास में किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी भी मुखिया की ही होगी। हालांकि ये और बात है कि बिहार के पंचायतों में घपलेबाजी का खेल जग जाहिर है। बिहार के ब्लॉक और प्रखंडों में इसकी वानगी आपको दिख जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल और बड़ी चिंता ये भी है कि इन पैसों का बंदरबांट न हो जाए। लेकिन फिलहाल गाँव के विकास को लेकर और बिहार के तमाम पंचायतों के मुखिया को लेकर नई खबर है, जिसे आपको भी जान लेना चाहिए। दरअसल बिहार के गाँव में भी अब शहरों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। नीतीश सरकार ग्राम पंचायतों को 6,500 करोड़ रुपए जारी करने वाली है। ये राशि छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में पंचायती राज संस्थाओं को जारी की जाएगी। पंचायतों के मुखिया इस राशि का उपयोग अपने गांव में विकास कार्यों के लिए करेंगे। इसके तहत गांव में भी शहरों की तर्ज पर बेसिक सुविधाएं दी जाएंगी। वित्त विभाग के सूत्रों ने बताया है कि छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को 29,876 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 के बीच किया जाना है। इस आधार पर साल 2023-24 में 6,500 करोड़ की राशि दी जाएगी, जबकि अगले साल 2024-25 में 8,000 करोड़ राशि जारी किए जाएंगे। इन सभी पैसों का उपयोग जन उपयोगी कार्यों में किया जाएगा। अब पंचायत के भीतर किस काम पर कितनी राशि खर्च होगी और किन कामों को ज्यादा प्रायोरिटी बेसिस पर रखा गया है, वो हम आपको बताते हैं। राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली राशि के जरिए गाँव में कई तरह के विकास कार्य कराए जाएंगे, जैसे पंचायतों में खेल के मैदान, गार्डन में ओपन जिम, सोलर स्ट्रीट लाइट, शवदाह गृह, बस और ऑटो स्टैंड, यात्री शेड, सामुदायिक भवन आदि का निर्माण बिहार के गांव में भी अब कराया जाएगा। डाइट ग्रांट के तहत स्वच्छता के प्रति ठोस और तरल अवशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता के लिए गलियों का पक्कीकरण और नाली निर्माण, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचय के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना का अनुरक्षण और रखरखाव, इसके साथ सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार सहित छठ घाट का निर्माण आदि कार्य भी किए जाएंगे। वहीं पंचायत सरकार भवन के लिए भी राशि सुरक्षित रखी जाएगी। अब साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि सरकार की ओर से ये राशि पंचायती राज संस्थाओं को सीधे ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। इस साल छठे राज्य वित्त आयोग के तहत नगर निगमों समेत अन्य स्थानीय निकायों को भी 5,000 करोड़ से ज्यादा की राशि मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर बिहार के गाँवों की किस्मत अब देर से ही सही चमकने वाली है, क्योंकि अब नीतीश सरकार ने 6,500 करोड़ रुपए बिहार के पंचायतों में खर्च करने का मन बनाया है। इसकी जिम्मेदारी मुखिया पर होगी। सवाल ये है कि मुखिया जी कितनी ईमानदारी से अपना काम करते हैं और मुखिया जी अपने पंचायत के साथ साथ अपने गांव का विकास किस प्रकार इस राशि के खर्च करने के बाद कर पाते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि बिहार के पंचायतों की जो स्थिति है और मुखिया जी का जो हाल है, वो आप सबों से छुपा नहीं है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।